There's a song in my heart. Oh, telling me I should move. That I won't give up. आप सभी का स्वागत है फिर से हमारी न्यू ब्लॉग में। आज का हमारा ब्लॉग होने जा रहा है ग्वालियर में बन रही एलिवेटेड रोड के बारे में, जिसका सबसे अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे देखेंगे तानसेन नगर में। तो हम लोग आ चुके हैं तानसेन नगर में और आपको देखेंगे हमारे पीछे दिख रही है यहाँ पे एलिवेटेड रोड, जो कि देख सकते हैं पीछे जेसीबी वगैरह खड़ी है, कार वगैरह खड़ी है, इनका काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसा इसका काम होने वाला है, क्या क्या इसकी खासियत होंगी, कहाँ से लेके कहाँ तक ये रोड बन रही है और अभी कितना काम हो चुका है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। यह हमारे प्रदेश का एकमात्र ऐसा एलिवेटेड रोड होगा जो कि किसी नदी के ऊपर बन रहा होगा। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं यह है स्वर्ण रेखा नदी जिसके ऊपर बनाया जा रहा है प्रदेश का पहला एलिवेटेड रोड। आपको यहाँ पर बिल्कुल भी लग नहीं रहा होगा कि यह नदी के ऊपर बन रहा है, क्योंकि इसके नदी के बहाव को काट दिया गया है, जो कि हम आपको बाद में आगे दिखाएंगे। अभी आप देखेंगे हम लोग यहाँ पर हैं तानसेन नगर में और यहाँ पर कुछ इस प्रकार का काम चल रहा है। अभी आप जो यह देख रहे हैं यह फर्स्ट फेज का काम यहाँ पे चल रहा है, जो कि शुरू हुआ है रायन लक्ष्मीबाई समाधि स्थल से लेकर ट्रिपल आईटीएम तक, जो कि होने वाला है टोटल 6 किलोमीटर का। और सबसे ज़्यादा काम अगर आपको देखने को मिलेगा तो इसी जगह में मिलेगा जहाँ अभी हम खड़े हुए हैं तानसेन नगर पे। यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पर मशीनों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। यह काम जो शुरू हुआ है रायन लक्ष्मीबाई समाधि स्थल से लेकर फिर वहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यह पड़ेगा तानसेन नगर, और इसके आगे आप जाते हैं तो आपको पड़ता है हजीरा। वैसे हमने शुरू में दोनों का ही वीडियो बना रखा है, तीनों वीडियो हमने आपको बना के दे दिए हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं। और यहाँ देखेंगे काम यहाँ पे बहुत तेज़ी से चल रहा है और सबसे ज़्यादा तेज़ी से काम हमने आपको बताया कि इसी जगह चल रहा है। यह रोड जो है टोटल होने वाली है 14.7 किलोमीटर की, जिसके फर्स्ट फेज का काम आप देख रहे हैं। सेकेंड फेज का काम जो होगा वह हनुमान बाग तक होगा। पहला फेज तो है वह अभी यहाँ पर बन रहा है और इसकी टोटल लागत जो है 447 करोड़ समथिंग बताई जा रही है, जिसमें से 47 करोड़ जो है वह राज्य सरकार देगी। इसकी अगर हम टोटल लेंथ की बात करें तो यह 14.7 किलोमीटर की है और उसमें लगने वाली अगर लागत की बात करें तो उसकी पूरी लागत जो है 830 करोड़ लगभग बताई जा रही है। इसका उद्घाटन जो है वह 15 सितंबर को कर दिया गया था और अभी आप देखेंगे 5-6 महीने हो चुके हैं और इसमें बनने वाले सारे पिलर जो है वो तैयार हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे गार्डर वगैरह ऊपर लगाए जा रहे हैं और ऐसे ही मशीनों के द्वारा यहाँ पर काम वगैरह चल रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं आप लोग, इसमें जो है काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और यह एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर काम अभी आपको अच्छे से देखने को मिल रहा होगा। अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं हजीरा वाला और रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल वाला तो वहाँ भी देख सकते हैं, वहाँ और यहाँ में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस समझ में आएगा कि कहाँ पे कितना गतिजी से काम चल रहा है। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे खड़े हैं तानसेन नगर में, अभी पुराना पुल आप देखेंगे उसके नीचे बना हुआ जो कि काफ़ी पुराना है। और हम बता दें आपको यह रोड जो है 4 लेन होने वाली है और यहाँ पे जो है इसके बन जाने के बाद ग्वालियर शहर का जो है 50% ट्रैफिक जो है कम हो जाएगा। और दोस्तों यह रोड जो आपको छोड़ेगी ट्रिपल आईटीएम तक, जहाँ पे बन रहा है आईएसबीटी का बस स्टैंड। अगर आपने भाई वीडियो नहीं देखा है आईएसबीटी बस स्टैंड वाला तो आप देख सकते हैं, हमने आपको जो है बना के दिखा दिया है कि कैसा बन के तैयार हो रहा है। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ देख सकते हैं कितने तेज़ी से काम चल रहा है। यहाँ पर काम करने वाले लोग जो हैं बहुत ही सारे हैं और बहुत सारी मशीनों की सहायता से यहाँ पर काम किया जा रहा है। काम को जो है बहुत ही तेज़ी से करने की पूरी कोशिश की जा रही है। यहाँ देखिए हम दूसरी तरफ आ चुके हैं और यहाँ भी जो है गार्डर वगैरह ऊपर लगाए जा रहे हैं और कैसे पानी को बहाव को बिल्कुल अलग कर दिया है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यह पुल जो है भाई नदी के ऊपर बन रहा है, लेकिन यह जो है हमारे ग्वालियर शहर की स्वर्ण रेखा नदी है, जो कि कुछ सालों पहले कुछ समय पहले जो है नाले में तब्दील हो चुकी थी। अब इसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है और उसके ऊपर जो है देश का प्रदेश का पहला जो है एलिवेटेड रोड बनाया जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे जेसीबी वगैरह खड़ी है, ट्रक वगैरह खड़ी है, मशीनें वगैरह खड़ी है, जो कि इस काम को पूरा करने के लिए हेल्प कर रही है, मदद कर रही हैं। इनकी सहायता से काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। यहाँ पे मशीनों की संख्या बढ़ाई गई है ताकि काम जो है बहुत तेज़ी से चल सके। फर्स्ट फेज में जो अभी काम है बहुत तेज़ी से चल रहा है और हो सकता है कि यह काम जो जल्द ही पूरा हो जाए, बट अभी आप देखेंगे तानसेन नगर में ही आपको इतना अच्छा काम दिखेगा, आगे आपको इतना अच्छा काम नहीं दिखेगा और ना ही आगे आपको इतनी सारी गाड़ियाँ मशीनें वगैरह देखेंगी कि काम और तेज़ी से हो सके। हमें लगता है कि अगर काम को तेज़ी से करना है तो आपको इसके लिए जो है वर्कर्स एंड मशीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि इस काम को पूरा करे तो उसे बढ़ाएंगे तो यह काम जो है तेज़ी से हो सकता है। अभी फिलहाल पहले ही फर्स्ट का जो काम चल रहा है बहुत लेट है, जब सेकंड फेज का काम आएगा तो वो कैसे होगा। इसका जो है डेडलाइन रखी गई है 2025 तक की, ऐसा लगता नहीं कि 2025 तक ये काम हो सकता है। फिलहाल अभी बहुत टाइम है, 8-10 महीने हैं, हो सकता है कि 8-10 महीने में जो काम पूरा हो जाए, लेकिन जिस हिसाब से अभी काम चल रहा है उस हिसाब से हमें लगता नहीं कि आगे जाके ये काम पूरा भी हो जाएगा टाइम समय से। फिलहाल आप देखेंगे यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ जो है पूरा काम किया जा रहा है, यहाँ वर्कर्स वगैरह लगे हुए हैं और गार्डर वगैरह लगाए जा रहे हैं, आइड साइड से यहाँ पर डाला जा रहा है और देखेंगे यहाँ पर जो है लोहे वगैरह को कितने अच्छे से रखा जा रहा है। यहाँ देखेंगे आप ऊपर जाने के लिए यहाँ पर सीढ़ी वगैरह
बनाई गई है ताकि आप ऊपर जाके काम को ज़्यादा ले सकें। साइड से देखेंगे दोस्तों यहाँ पर नाले में आने वाला पानी है जो कि स्वर्णरेखा नदी में आता है और स्वर्णरेखा नदी को इस प्रकार से यहाँ पर जो है काटा गया है। तो दोस्तों ये था पूरा वीडियो जो कि हमने दिखाया आपको एलिवेटेड रोड के बारे में। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताना। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम आपसे हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी।